हाय एवरीवन, आज हम आपके लिए ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बॉयल्ड एग में कट लगाने हैं आपको और उसमें कोटिंग कर देनी है हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, नमक से, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। उसके बाद एग्स को ऑयल में फ्राई करना है। एक दो मिनट तक फ्राई करने के बाद उसको निकाल लें। उसके बाद ऑयल में थोड़ा और ऑयल डालकर उसमें तेज़पत्ता डालें, खड़ा ज़ीरा डालें और खड़ा मसाला, गरम मसाला डाल दें। इसके अलावा चॉप्ड गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, ये तीनों चीज़ें डाल देनी है आपको। अच्छे से मिक्स करना है इसको और थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद इसमें चॉप्ड अनियन डाल दें। अनियन मैंने यहाँ पे दो छोटा साइज़ का लिया है। उसके बाद मसाला इसमें डालना है आपको, मिर्च का पाउडर एक चम्मच, धनिया का पाउडर एक चम्मच और हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है जब तक कि कुक हो जाए। उसके बाद हमने अलग से पेस्ट तैयार किया है, डेढ़ टमाटर का छोटा साइज़ और 3 काजू। इस पेस्ट को इसमें ऐड कर दें और अच्छे से कुक होने दें इसको। तो जब ये कुक हो जाए उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने डालना है पानी। 1 कप पानी लिया था मैंने यहाँ पे। पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाने के बाद इसमें आपको ऐड करना है कसूरी मेथी। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो अलग से एग्स फ्राई करके रखे हुए थे उसको इसमें डाल देना है। थोड़ा मिक्स कर लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए एग्स का। गैस की फ्लेम को बंद कर दें और 5 से 10 मिनट इसको ढककर रख दें और ये रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा था। आप ज़रूर ट्राई करिए। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।